हेलो गाइस, मैं हूँ जाबिश, आपका फिजिक्स टीचर। और मैं अभी ईरान में हूँ और ट्रैवल कर रहा हूँ कुम से मशहद। और मैं हूँ अभी फदक एक्सप्रेस, मतलब कि यहाँ ईरान की ट्रेन में, और जो कि ट्रेन है और इसमें फीचर्स क्या क्या है और जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। ये है फदक एक्सप्रेस और ये मैं अपने केबिन में आ चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये चार लोगों का केबिन है, ठीक है। ये दिन के लिए कि आप दो यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पे भी दो बैठ जाइए, लेकिन जब रात होगा तो उसके लिए भी सिस्टम है, मैं बताऊँगा। इसमें फीचर्स क्या है कि जब आप इंटर कीजिएगा तो आप इस डोर को लॉक कर सकते हैं ऊपर से। यहाँ स्लाइडर लगा हुआ है, स्लाइडर है, गेट स्लाइड करके आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि ये ट्रेन बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें दो सीट है इस तरफ और दो पिलो भी दिया हुआ है और एक टीवी स्क्रीन भी है। एक पानी का बॉटल है और ये रिमोट है जिससे शायद टीवी चलेगा, मैं चेक करूंगा इसे। और ये हेडफोन दिया है, इस हेडफोन को आप इसमें यहाँ प्लग कर सकते हैं, इस हेडफोन को यहाँ प्लग कर सकते हैं। और जो भी सामने एक स्क्रीन यहाँ है, टीवी स्क्रीन, और एक स्क्रीन यहाँ है, तो आप उसको जो भी चल रहा है उसको सुन सकते हैं। दूसरी चीज़ की यहाँ जो लाइट दिया हुआ है, ये देखिए, ये टच है, इसको टच करने पे ये लाइट ऑन हो जाएगा। उसके बाद इसको ऑफ कर देते हैं और उसके बाद बहुत ही कम्फर्ट है। उसके बाद एक चीज़ और देखिए, उसको निकालिए तो जैसे कि आप, ये इसके अंदर दिया हुआ है कि आप इसको अपने सामने रखकर नाश्ता कर सकते हैं या कोई बुक्स पढ़ना है तो वो बुक्स को स्टडी कर सकते हैं। एक इसके लिए भी है और एक इधर भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो अगर मान लेते हैं कि रात का वक्त है, तो जब रात का वक्त होगा तो आप इसको क्या कीजिएगा, इसको यहाँ से यहाँ हटा दीजिएगा और इसको आप सीधा ऊपर कर दीजिए। और जैसे ही आप ऊपर करिएगा तो ये एक प्रॉपर बेड हो गया, जो थोड़ा आगे भी खिसक जाता है, ये एक प्रॉपर बेड हो गया, इस पर आप सो सकते हैं। ये लोअर बर्थ हो गया। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये अपर बर्थ है, ठीक है। इसको कैसे खोला जाएगा तो मैं बताता हूं अभी। ये अपर बर्थ, तो अब आप ऊपर आसानी से स्लिप कर सकते हैं, सो सकते हैं। अब ऊपर जाने के लिए क्या करना है, तो देखिए यहां पर एक सीढ़ी दिया हुआ है, इस सीढ़ी के माध्यम से आप ऊपर चढ़िए इजली और यहाँ आकर सो सकते हैं। यही चीज़ इस साइड भी है। ये देखिए फोल्ड सिस्टम में ये इस तरीके से है, जब इसको खोल देंगे तब ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये इसको अगर कोई सोते टाइम गिरने वाला है तो उसके लिए ये ब्रेकर है। उसके बाद देखिए, तो ये है अपर बर्थ, इसको ऊपर कर देते हैं, जो कि हम बाद में कर देंगे। इसके बाद यहाँ कुछ स्क्रीन दिया हुआ है। इस स्क्रीन पे देखिए, तो यहाँ एक सिस्टम है लाइट, जैसे ही हम ये लाइट पे क्लिक करेंगे, नाइट लाइट रात में जितनी रोशनी चाहिए उतनी ऑन हो जाएगी। फिर उसके बाद डे लाइट रोज, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए दिन में जितनी रोशनी चाहिए उस हिसाब से रोशनी आ जाएगी। और यहाँ पर है एक असिस्टेंस, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो जो भी है ट्रेन में असिस्टेंट वो आ जाएंगे और हमारे बारे में पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ टेम्परेचर है, ये ब्लू मतलब कि ठंडा और ये रेड मतलब ग्रीन। इसके बाद रेड मतलब हो गया हीट। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक हैंड ब्रेक दिया हुआ है, इस हैंड ब्रेक को हम खींचेंगे तो ट्रेन रुक जाएगी, जैसा कि आप जानते हैं। और यहाँ पर भी एक लाइट दिया हुआ है जो कि अपर बर्थ वालों के लिए, अगर वो रात में कुछ पढ़ना चाहें सिर्फ अपने लिए तो ये हो सकता है। इसके ऊपर लगेज रखने का सामान है और जो दो बैग देख रहे हैं आप कोने में, उस बैग में कंबल वगैरह है जो कि रात में आप यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों के लिए है। तो ये है फदक एक्सप्रेस और हम जा रहे हैं कुम से मशहद। थैंक्स गाइज, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।
और यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सारे इंस्ट्रक्शन को बता रहे हैं, ठीक है, जो कि फारसी में भी लिख रहा है और इंग्लिश में भी। तो अगर आप फारसी जानते हैं तो पढ़िए। और साथ में एक चीज़ और कि यहाँ पर एक ब्लोअर दिया हुआ है। ये जो है ब्लोअर है, अभी फ़िलहाल मौसम यहाँ थोड़ा नॉर्मल है इसलिए यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, लेकिन अगर ये सर्द हो जाएगी जैसा कि रात में होने वाली है, 8 डिग्री टेम्परेचर जाने वाली है, तो ये हो जाएगी काफ़ी गर्म। तो इस तरीके से पैसेंजर को फुल फैसिलिटी दिया गया। ये चीज़ मैं बता दूं कि ये जो सफ़र है मेरा, ये लगभग इंडिया के बेसिस पर, जैसे कि अगर आप मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रहे हैं तो उतना ही डिस्टेंस है, मतलब कि जो डिस्टेंस है कुम से मशहद का वो है 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर। और ये 1300 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं और फुल फैसिलिटी है इस ट्रेन में। और दूसरी चीज़, टिकट का जो कॉस्ट आया है वो इंडियन करेंसी में 1200 है। और कितने फीचर्स मिल रहे हैं तो फुल लग्जरी है ये, यहाँ आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि जैसे ही शाम होगा तो ये जो टेबल दिया गया है, जैसा कि मैंने दिखाया था, ये जो टेबल है, ये टेबल, इस टेबल पे नाश्ता दिखेगा, तो मैं वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा आपको जब नाश्ता आएगा, तो क्या क्या मिल रहा है नाश्ते में, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। ट्रेन खुले 20 मिनट हुई है और आप देख सकते हैं कि मेरे टेबल पे कॉफी, बिस्किट्स, ये सब अवेलेबल है। तो ये है ट्रेन की फैसिलिटीज।